हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जुनकी बनर्जी है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल बंगाली स्वीट बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये 500 ग्राम पनीर है। अगर पनीर को पहले कट कर लेते हैं स्लाइस में, इसको कांचा गोला बोलते हैं, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे और दूध दूध फाड़ के बनाएंगे, वो भी होगा लेकिन इसमें झटपट बनता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, ठीक है। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये 1 किलो ग्राइंड पनीर है, इसको मैं मिक्सी में पीस लिए। में डालेंगे तब पैन ठंडा होना चाहिए, गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पनीर जल जाएगा, क्योंकि इसमें घी या तेल या दूध कुछ भी यूज नहीं होता। इसके बाद गैस ऑन करेंगे, लेकिन मीडियम लो फ्लेम में इसको हल्का से फ्राई करेंगे। आंच को स्लो रखिएगा और इसमें हम पीसी हुई चीनी डाल दें। मिक्सी में हमने पीस लिया और 3 चम्मच डाले, तब पीसी हुई चीनी डालने से जल्दी से पिघल जाएगा और मेल्ट इसमें मिक्स हो जाएंगे छेना के साथ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसमें मिल्क मेड या मिठाई मिल्क कुछ भी डाल सकते हैं। अगर ना हो, घर में अवेलेबल ना हो, तो उस समय चीनी का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, इसलिए मैंने इसमें चीनी 3 ही चम्मच पीसी हुई चीनी दी है। अब इसको मिलाएंगे और थोड़ा से सुखा लेंगे। देखिए सब सूख जाता है पानी, तब इस तरह का इस कलर का हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा बंद करके मैं डिवाइड करूंगा। मैं 3 फ्लेवर में काचा गोला बनाऊंगा। गैस को किया ऑन और स्लो में रखिएगा आंच, और इसमें इलायची फ्लेवर, इलायची पाउडर हमने मिला दिया। इसको बस जस्ट इसको मिक्स करके मैं निकालूंगा। दूसरा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। 3-4 बूंद एसेंस मिला दिए। अगर आपके पास नहीं हो तो खाली इलायची फ्लेवर से भी बना सकते हैं। ये 3-4 बूंद दिए जेल कलर, जो पिंक कलर हो जाएंगे, बस इसको थोड़ा सा हिला के उतार देंगे। और एक चॉकलेट फ्लेवर, इसीलिए कोको पाउडर हमने 1 चम्मच दिए, चाय का छोटा चम्मच, बस थोड़ा से मिला के उतार देंगे। अब जो आधा पनीर हमने रखे थे उसको अब मिलाएंगे डिवाइड करके 3 हिस्से में। ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये इलायची और ये स्ट्रॉबेरी। तो इसी तरह इसको ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा मैश करके अब इस तरह से काचा गोला देखिए, इसको मैश करके और लड्डू के आकार में बना ले। अभी मिल्क पाउडर में थोड़ा सा इसमें डाल के बस इस तरह से कर लेंगे। काचा गोला थोड़ा सा सॉफ्ट मिठाई होता है और बहुत झटपट बनता है और बहुत टेस्टी होता है।
सबसे ज़्यादा तो इसमें आपको पनीर दूध फाड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ये डार्क चॉकलेट जो कोको वाला हम बनाए थे उसमें डार्क चॉकलेट का कोटिंग करेंगे। ये डार्क चॉकलेट है, इसमें डबल बॉयलर में हम इसको पिघल लेंगे, उसके बाद उसमें कोटिंग चढ़ा देंगे। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गया, डबल बॉयलर में हमने चॉकलेट मेल्ट किया। इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिएगा, इससे चमक अच्छा आ जाता है। एक दो से तीन टाइप का कांचा गोला रेडी। इसमें थोड़ा से पोर कर देंगे। इस तरह से डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर में पिघला के इस तरह के ऊपर से जितना हो सके कोटिंग। उसको संभाल के, गरम है कि हाथ जलने का बहुत रिक्स रहता है। चलो ये रेडी हो गया काचा गोला बंगाली स्वीट। रक्षाबंधन में घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल फ्री है।